समझ में आ गया ना बात को, कपिल शर्मा का भी काका है वो। समुच्चयों पर संक्रियाएं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, दो प्रकार का सेट्स का दो प्रकार के बीजगणितीय संक्रियाएं होती है, दो प्रकार का ऑपरेशन करेंगे हम लोग सेट्स पर। पहला उसमें होती है सम्मिलन, बिजली आई गजब है, यूनियन पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, तो पहला क्या है सम्मिलन यूनियन है, फिर पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। तो पढ़ भी चुके हो तो सिर्फ हम लोग वहाँ जितना काम था सिर्फ उतना ही चर्चा किए थे, बाकी चर्चा हम लोग नहीं किए थे, तो बाकी चर्चा भी करेंगे। सम्मिलन यानी कि यूनियन, एक नंबर में क्या होती है, यहाँ जो लिखा नहीं है सम्मिलन लिखेगा सेम में, जैसे एक नंबर देख भाग जाएगा। अगर दो समुच्चयों का सम्मिलन यूनियन ऑफ टू सेट्स, यदि ए और बी, ए एंड बी सेट्स हो, तब ए और बी यूनियन सेट को संकेत में ए यूनियन बी लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं ए और बी क्या हो, दो सेट्स हो, तब ए और बी के यूनियन सेट्स को संकेत में ऐसे लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी, यू एन आई ओ एन यूनियन बी, यानी कि यू है तो यूनियन हो गया है ना। ए यूनियन बी वह सेट है जिसमें किसका अवयव हो, ए का अवयव हो, ए लिखेंगे, ए यूनियन बी वह सेट है, हिल कह रहा है इधर हो रहा है, अच्छा ठीक हो गया ना। ए यूनियन बी वह सेट है जिसमें ए का अवयव हो, ए का अवयव हो या याद कुछ भी नहीं करना है, वैसे मुझे कोई आसान है करना पड़ता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेरा टेम्परेचर ज़्यादा शरीर का है तो क्या करूँ। ए यूनियन बी वह सेट है जिसमें किस ए का अवयव हो या बी का अवयव हो या दोनों का अवयव हो, या दोनों का अवयव हो। ए यूनियन बी वह सेट है जिसमें ए का अवयव हो या बी का अवयव हो या दोनों का अवयव हो, उसे ए यूनियन बी कहा जाता है। इसे गुण प्रकटीकरण विधि में इस प्रकार लिखा जाता है, किस विधि में, सेट्स को कितने विधि में लिख सकते हो, दो विधि में, एक सारणिक एक गुण प्रकटीकरण विधि में। तो गुण प्रकटीकरण विधि में इसे लिखेंगे ए यूनियन बी, फोटो खींच लिया सबका, खींच लेना अब फेर करते रहना। तो ए यूनियन बी बराबर लिखेंगे यहाँ से हम लोग एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स ए, एक्स कैसा है, एक्स ऐसा है कि एक्स किसका सदस्य है, ए का, या इंग्लिश बताना जरूरी है और ही होता है जहाँ भी, और तो इस पर सवाल बहुत मत ही परिचित हो कि कैसे इसका घुमाया जाता है क्वेश्चन, इसीलिए बताना ठीक नहीं समझते हैं कोई दिक्कत। एक्स बिलोंग्स ए या एक्स बिलोंग्स क्या होंगे, बी होंगे, ये दिखा दिया किस विधि में, गुण प्रकटीकरण विधि में। यदि X belongs A union B, बोलो इस सिंबल को क्या पढ़ते हो ऐसे, इसको इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़े थे कभी, इम्प्लाय दैट ही साथ होंगे, देखते लेकिन बताया हुआ है ना सिंबल, बताए थे जिसका यूज होता है वही रहेगा, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, इसका अर्थ होता है यदि और केवल यदि, इम्प्लाइज वो जो अभी लिखे हो उसका implied. मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट, यदि और केवल यदि, ऊपर वाला की क्या होती है, इम्प्लाइज दैट, इसका अर्थ होता है इंगित करता है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट, यदि और केवल यदि। एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी, यदि और केवल यदि
एक सदस्य हो ए का या एक सदस्य हो बी का, और सी करो फिर एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी। यदि ऐसा हो तो यदि और केवल यदि ऐसा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कब नहीं होगा, यदि और केवल यदि एक्स ना तो ए का सदस्य हो एंड एक्स ना तो बी का सदस्य हो, एक्स ना तो ए का और ना तो बी का, किसी का भी सदस्य नहीं एक्स है तो कैसे यूनियन होगा, बन जाएगा ना, और एंड लग गया है चूंकि तो इसका और सेक्शन ए बम तथा तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, ध्यान है ना, ठीक है। ये बात मैंने बता और दोहरसी कर युवाकर दिया। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल निकालो, डायग्राम बहुत सारा भेजे हैं उसमें, मेहनत कर करके खोजते हैं तुम्हारे लिए, हैं औकात से ज्यादा इसी को खाते हैं पढ़ाना, नहीं एक दो तीन चार बी बराबर लगा उसमें, बी बराबर तीन तुमको नहीं मिलेगा ना, ला इधर चार पाँच और छः, अच्छा ए यूनियन बी बोलो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, एक दो तीन चार पाँच छ, ए यूनियन बी, जिसमें ए का अवयव हो, क्या इसमें का अवयव है, वन टू थ्री फोर हाँ है, या बोलो किसका अवयव हो, तीन चार पाँच छ है, या दोनों का अवयव हो, अब समझ में आ गया ना वो क्या हो गए, ए यूनियन बी वैसे पढ़े हो पहले से भी, इसका वेन डायग्राम बनाओ। अच्छा क्या वेन डायग्राम यहाँ यूनिवर्सल सेट है, हाँ एक जान लो वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट होती है, इसमें सबको तो मिल जाए, यूनिवर्सल सेट को दिखाते हो आयत से, इसे दिखाते हो आयत से, और बाकी सब सेट को दिखाते हो किससे, ब्रिज से, सर्कल से दिखाते हो, कैलकुलेशन डाले हैं आज अपलोड हो जाएगा देख लेना मैथ का। अब वेन डायग्राम यहाँ पर है, पहले ए का दिखाएंगे, ए का दिखा देंगे, ए में क्या क्या है, वन टू थ्री फोर, दोनों में क्या है कॉमन, थ्री फोर, थ्री फोर, अच्छा क्या जरूरी है हर सर्कल से बनाना, ऐसा कोई भी नहीं है, कॉमन एलिमेंट आ रहा है इसीलिए बना रहे हो, यदि नहीं आता कॉमन तो अलग अलग करके बनाती है, समझ में आ गया ना, कि भरा मत रखना हमेशा ऐसे बनेगा, कॉमन एलिमेंट मिलेगी तो ही, नहीं मिलेगी सीधा अलग अलग सर्कल क्या करेंगे हम लोग, बनाए वैसा इमेज है मेरे पास बता देंगे भी, तो वन टू दे दिया और थ्री फोर तो इसी में लिखाएगा, लिखाएगा ना, थ्री और फोर लिखा गया, थ्री और फोर क्या होगा इसी में लिखा गया, नहीं ये बात हो गई, और इसमें लिखा गया फाइव सिक्स, तो ये पूरा हो गए, ये पूरा हो गए ए यूनियन बी, और इसके लिए तो डिजिटल इमेज पहले से रखें व्यवस्था करके, ए यूनियन बी यही हो गए, ये क्या हो गया बगल वाला ए यूनियन बी, देखो इसमें ए भी है, अब फिगर फिगर को समझो, मतलब डिफरेंस समझो फिगर से, ए भी है बी भी है दोनों, अरे दोनों है, समझ में आ गया ना, ये क्या हो गए ए यूनियन बी हो गए, और यदि सिर्फ, अच्छा यदि सिर्फ, अच्छा आगे जाएंगे तो इसे काम आएगा ये कंसेप्ट, ये सिर्फ ए बोलेगा ए पूरा हो गया, सिर्फ बी बोलेगा तो बी पूरा हो गया, इंटरसेक्शन वाला अभी पढ़ेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट हो गया, डिजिटल लाए हैं ताकि मान लो बिंदा जाएंगे इसे दिखाएंगे अच्छा लगता है देखने में, आजकल फैशन का जमाना है नहीं है, फैशन का जमाना है, कौन बोला तुमको है फैशन का जमाना है, नोट नोट क्या ए सबसे एमएन भी होगा, यहाँ पर ऐसा यदि होंगे तो ए सबसेट्स ए यूनियन बी देखो है, एंड बी सबसेट्स होंगे ए यूनियन बी का, क्या ऐसा होंगे, तो बोलो सबसेट्स कब होता है, दो सेट्स को सबसेट्स कब बोलेगा, ए और बी दो सेट्स है कब सबसेट्स होंगे, ए सबसेट्स बी कब होंगे, कंडीशन बताओ, दोनों में जो मिलेगा सेम तो ए का अवयव बी में होगा, तो ये किसका सिंबल है सबसे, एक का सब अवयव किसमें होगा, बी में होगा, सब मिलना चाहिए, बाकी बी में जाएगा उसमें कोई मतलब नहीं है,
तो ए का सब अभी अब बी में, यहाँ तो यहाँ लेकिन बी में नहीं, यहाँ पर ए यूनियन बी है। yes, यहाँ पर क्या है? ए यूनियन बी। ए का सब अभी अब ए यूनियन बी में है। yes, तो ए सबसेट होंगे यूनियन बी का। क्या बी का सब इसमें है? yes, बी सबसेट होंगे यूनियन बी का। समझ में आ गया ना? ये बात हो गई एक नंबर में, ये हो गया दो नंबर में। यदि ए सबसेट बी हो, ऐसा ये एग्जांपल अलग इसका लेंगे, नोट लिखा रहे हैं ना, इसको समझने इसका मन किया। ए सबसेट क्या हो? बी हो। ऐसा हो, ऐसा हो तो कर तो हो तो आँख मुन लो ए यूनियन बी बराबर क्या लिख देना है तब बी। ऐसा हो तो क्या करना, आँख मुन के ए यूनियन बी बराबर क्या लिख देना है बी। जो मन वही करेगा, प्रूफ कर देंगे तो करेगा ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ए बराबर ले लिया है एग्जाम्पल 1, 2 पेज लाओ 1, 2, 3 ए बराबर क्या ले लिया 1, 2 बी बराबर क्या ले लिया 1, 2 और 3 है ना, अच्छी बात है। क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है? yes, है तो ए सबसेट्स क्या होंगे? बी होंगे। ए सबसेट्स क्या हो गए? बी। अच्छा ए यूनियन बी बोलो बराबर क्या होंगे? एक, दो और तीन। और दो सेट्स कब होंगे बराबर? जब अवयव संख्या दोनों बराबर हो। yes. और वो तो ठीक है, 1, 2, 3 बराबर क्या माना था वहाँ पर देखो B. तो इतना बराबर क्या हो गया, इसीलिए ए यूनियन बी बराबर क्या लिखा बी। खोपर याम गया हैं, आज से कभी भी रास्ता पैरा चलते फिरते ए सबसे बी कहीं लिखा होगा, आँख मुन ए बी बराबर क्या कह देना है बी कह देना, रास्ता पैरा चलते फिरते टहलते कहीं। समझ में आ गया ना? अब इसी प्रकार से कभी यदि बी सबसे ए होगा, इसके लिए अलग एग्जाम्पल ले सकते हो, बी सबसे क्या होंगे? बी का सब अजब किसमें होगा? उससे पहले ए का जो सब किसमें था? बी में। उल्टा अब चलना, बी का सब किसमें होगा? ए में। ए में होगा तो इम्प्लाइज दैट ऐसा होंगे, तब वहां पर ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। मन में आ गया ना? एग्जाम्पल लेकर वहीं चेंज करना, दो एक जगह बी दे देना, अभी की जगह ए दे देना, अपने हो जाएगा। इसी सी बात उसी एग्जाम्पल में, ठीक है। ये था किसके बारे में जानकारी? यूनियन के बारे में, यूनियन समाज के लोग के बारे में। किसको ठंडा लग रहा है अभी? गर्मी किसको लग रहा है? गर्मी पूछना चाहिए हमको, पवन को गर्मी? पवन तो आया ही नहीं है। नहीं है, और भी सारा कंटेंट डालते हैं ना, देखा करो टेलीग्राम पर क्या सेंड किए हैं, तो बेनिफिट होगी इससे तुमको, है ना। अब वेन डायग्राम से कैसे, अब तुमको तो कई बार बनाता होगा शायद सवाल में, कई बार वेन डायग्राम ड्रा करने के लिए जाता है सवाल में, कहा इसका कहा है उसमें एक पॉइंट दो तक में, हाँ आगे हो सकती है, इसमें तो है दिया हुआ सवाल, तो ए बी सी दे देगा कुछ उसे, कहेगा इसका क्या बनाइए वेन डायग्राम, तो इजी है बनाना, आसानी से वेन डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। नहीं, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। हम लोग के साथ जितना लड़का पढ़ता था लगभग सब छोड़ दिया है, एकाध वो पढ़ता है बाकी सब छोड़ दिया है। हाँ, टोटल जितना भी एक क्लास तक था, एक क्लास तक था ना साथ में सारा, कल शाम में देखने के था बांस कुमार के, इसको हम बांसे कहते हैं, बांस इधर जाओ, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, पहचान गए ना कैसे पहचानेगा, उसको भी ज्ञान दिए हैं ट्वेल्थ में, ज्ञान दिया आदमी कभी नहीं भूलेगा, समझ में आ गया ना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट टू सेट्स, आप साथ पढ़ते थे, हाँ वो पढ़ते हैं, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समझ में आ गया ना। अब क्या निकालना हमको है, इंटरसेक्शन निकालना है। अरे सब को बूटी खिलाए हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन खिलाए जरूर है, उससे नहीं खाए हैं उसको खिलाए हैं दवाई, माथा दर्द होगा तो कभी कभी टेबलेट लेने खिलाएगा ना, तो कभी कोई टेबलेट दिए हैं, भले बड़का बड़का इलाज नहीं किए, छोटका इलाज तो किए हैं ना कभी ना कभी, इलाज तो आखिर ठीक हो ना। yes. ठीक कैसे नहीं होगा, ठोक के ठीक होगा नहीं, उस समय तो और पावरफुल थे,
क्योंकि उस समय सिर्फ ऐसे वही पढ़ते थे, अब तो सारा शरीर शिथिल पड़ चुका है ना, अब उतना चल फिर नहीं पाते हैं, समझ में आ गया ना। तो वही बात है, दो समुचों का शेर की तरह गर्दना क्लास में था, उठ गए तो हालत खराब है, कैर चटने के बह जाएगा, मन में कुरकुर करते था सब, खत्मे कर देगा, आए बैठो ना आए, समझ में आ गया ना। इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स, दो समुचियों का सर्वनिष्ठ, ए और बी दो सेट्स हो, ए और बी क्या हो, दो सेट्स हो, तब ए और बी का इंटरसेक्शन सेट वह सेट है जिसमें ए एंड बी का कॉमन अवयव होंगे, पढ़ चुके हैं। ए और बी दो सेट्स हो तब ए और बी का इंटरसेक्शन सेट वह सेट है जिसमें ए और बी का कॉमन अवयव हो, कॉमन मतलब दोनों में जो होगा उभयनिष्ठ, सब कचरा वाला खराब खराब। 12 टिफिन वहाँ था, क्या नियम उस समय करा टाइट था, पढ़ाए हाजरी बने कैंप पर आ गया, एक वो कॉपी लेकर के उसको रखता था तीन घुसिया करके बेंच अंदर में होता है, हाथ धुलाते धुलाते आया, सर 2 मिनट आ रहे हैं सर उधर से, कॉपी में है बगलवा कहते न रे उसमें घुसा देना फिर हम जाएंगे तुम पार है अपना काहे कहाँ जा रहा है, हथियार लगेगा ना मंगल है ना, अच्छा जाओ कितना बजे तक कभी कई बार हमको दे देता था क्योंकि हम छुट्टी होने के बाद आते थे, कहता था उधर से आइएगा हथियार में मिलवे करेंगे दुकान पर, दे दीजिएगा किताब, हम बोले ठीक है जाओ, समझ में आ गया ना। नहीं तो पहले तो अथी नहीं था ना, बोन अब तो बंदी बन चुका, ढड्डी था अपन ढड्डी सब, वो तो एक समय था ढड्डी भी नहीं था, बाद में ढड्डी आया, तो कुछ पहले था ही नहीं, आजकल देखते हो ना छत कुछ एको जिस समय से हम कतरा स्कूल में जा रहे हैं एको छत में था, और तो उड़न टूट चुका है जो पहले था चदरा वो बाउंड्री खटारा वाला दीवार मट्टी गीला बात रख सकते हो, पहलू का दीवार जमे कर चुके वो था ठीक है, छत पर से कूद जाता बगल, अब तो छत हो गया, पहले छत थोड़े चलता था। कॉमन अवयव उभयनिष्ठ, हाँ तो ए और बी का इंटरसेक्शन सेट्स वह सेट्स हैं जिसमें ए और बी का दोनों का अवयव हो, यानी कॉमन उभयनिष्ठ अगर लेना है, ए और बी के इंटरसेक्शन सेट्स को संकेत में ए इंटरसेक्शन बी से सूचित करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से क्या करते हैं सूचित करते हैं, इसे पढ़ते हैं, ये पूरा को क्या पढ़ेगा ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी, कुछ सोच रहे हैं सोच रहे हैं दिमाग है तो कहीं सोच रहे हैं, ए इंटरसेक्शन क्या सोचेंगे, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे, और इसे गुण प्रकटीकरण विधि में इस प्रकार से लिखा जाता है, गुण प्रकटीकरण विधि में इस प्रकार से लिखा जाता है, हैं क्या सोच रहे हैं, अनुमान लगा तुम लोग लगा सकते हो, तो एक्स सच क्लास के बारे में एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन, पुरानी याद चली आती है ताजा क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि एक्स सदस्य किसका है ए का, एंड मतलब और एवं तथा एवं तथा एंड एक्स बिलोंग्स बी ठीक है ना, ये बात हो गई, दैट इज इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो कि हालांकि जरूरी नहीं है फिर भी एक्स कभी है तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना, एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी यदि और केवल यदि, ये तभी पॉसिबल है ऐसा तभी पॉसिबल है यदि और केवल यदि एक्स सदस्य हो ए का एंड एक्स सदस्य हो किसका बी का, ऐसा कब पॉसिबल नहीं है फिर ऐसे कर देंगे, एक्स यदि सदस्य नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, ऐसा तभी पॉसिबल है एक्स सदस्य नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी का, ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक्स सदस्य ए का नहीं होगा, और यूज कर लेंगे पर एंड वाला में और वाला में एंड देखो तभी वही किए थे, और मतलब यहाँ और एक्स डज नॉट बिलोंग्स बी, एक्स ना ए के सदस्य होगा या ना बी के सदस्य होगा, दोनों में किस सदस्य नहीं होगा ठीक है ना, अच्छी बात। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल बात करेंगे हम लोग, जैसे
ए बराबर यहाँ बात करेंगे हम लोग, 1, 2, 3 और 4 ए बराबर क्या बात करेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4 और बी बराबर देखो 3, 4, 5, 6 ए बराबर क्या ले लिए हम लोग, 1, 2, 3, 4 बी बराबर क्या ले लिए, 3, 4, 5, 6 तो ए इंटरसेक्शन बी में दोनों का कॉमन है, बोलो 3, 4 दोनों में है, 3, 4 ले लिया, ये क्या निकल गए इंटरसेक्शन। कौन सा चौका मोबाइल है ये है, यूट्यूब पर देख ही लेंगे, क्या पता नहीं डाले मोबाइल पर, तो जैसे कल का भी देखने अपलोड चुका है, टाइम नहीं मिला, आज प्रयास करेंगे डालने का। सुबह में आए थे मैथ में, तो अभी हाँ मैथ में नहीं आता, जरूरी नहीं। तो कौन सी में, सुबह में आया मतलब सुबह में गया। अच्छा मैथ में जरूरी नहीं है पढ़ना, इसे थ्योरी वो सोचते हैं शायद हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गए, 3, 4 हो गए। अब देखो वेन डायग्राम बनाओ इसका, कौन डायग्राम जी, वेन भी डबल एन है, करवा गया तब वही छोड़ देंगे, समझ गया। हाँ तो ए में बोलो क्या है, ए में 2, 3, 4 दोनों में कॉमन है ना, यस सर, 1, 2 और 3, 4 दिखाएंगे कहाँ पर, बीच में, और बाकी क्या बच गया, 5, 6 समझ में आ गया ना, यही हो गया, जिसको टिक्का मार रहे हैं सिर्फ यही ठोकिया होंगे, इंटरसेक्शन वाला होंगे, जैसे यहाँ पर फिगर में देखो। एक बार ये और बताए थे प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी देना दोस्तों, जाओ मैं घूम के आऊं उधर से, नहीं काहे वो तो सबको पता है, बड़ा बताए हैं मान लो ना, इच्छा हो सकता अंदर से नहीं पढ़ेंगे तो इसके लिए हम लोग मजदूरी से नहीं कर सकते हैं ना, एक ऐसा चीज है पढ़ाई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, रुपया देना है जितना दे सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं, उससे कभी भी आदमी पेट नहीं भरता है। ये क्या हो गए, बॉथ ए एंड बी, इसमें दोनों होंगे, इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, ऐसे लिखा है उसमें सिर्फ यही ठोबिया होंगे, जबकि दोनों का है, जैसे नहीं कहता है बॉन्डिंग में मेरा भी है मेरा भी है, तो वही बात है, इतना पार्ट को ई कहेगा मेरा है, ई कहेगा मेरा है, कॉमन हो गया, बोलेंगे तुम्हारा भी है तुम्हारा भी है, जैसे देख कहते हो विवादित जमीन है, विवादित जमीन मतलब समझते हो सरकारी जमीन हो गया, सबका है, तुम्हारा भी है उसका भी है, ठीक है ना, ये बात हो गई। हाँ अच्छी बात है, तो अब ये वेन डायग्राम का हिंदी देखो लिखा है, इसका मतलब होता है चित्रांकन विधि, बड़ा बढ़िया हिंदी कहा है, VEN है वेन डायग्राम, हिंदी क्या होता है इसका, चित्रांकन विधि। अब से लोग को कौन डायग्राम बनाने के लिए कहेगा, चित्रांकन वेन डायग्राम ने, क्योंकि वो तो जानता है ना उसको कौन डायग्राम करना है बनाना है, यही वो सोचेगा ये पूछता वेन डायग्राम तो बना ही देते, नहीं समझा, एक बात जान लो दुकानदार आजकल बेचने क्या बिल्कुल बनाएगा, है समोसा ही उसको दूसरा नाम से बोलेगा, अंदर में रखा हुआ लिखा रहेगा फलना खींचेगा पता नहीं कौन भोजन है, अच्छा एक प्लेट दीजिए तो वो लिखेगा समोसा खेगा, ये क्या है, वही है जो आप मांगे हैं, मतलब एक तरह से बेचने का तरीका हो गया, कुछ चीज चेंज करे, हाँ नहीं समझा, वही जैसे चाट खाना है मान लो वो समोसा ही देता है ना, क्या कहता है वो, क्या है चाट, उसमें कुछ 2 रुपया का, हाँ तो ये सब बेचने का तरीका हुआ, नहीं वैसे किसी से पूछना का क्या बोलेंगे, एक चम्मच दही दे देगा, चित्रांकन विधि बनाओ, मसाला दे देगा, आटा नहीं करना प्याज दे देगा, वही चाट, और वैसे भी आजकल बहुत सारा ऐसा दुकान है वो अलगोस दे देगा, बिना चाट के भी तू मांगेगा दे देगा होटल सब में, प्याज दे देगा, ये सब तरीका सीखो कि मार्केट में उसे सामान कैसे बेचा जाता है, समझना हटाओ इसको रुको एक सेकंड, यही हो गए, क्या हो गए सरकार, हाँ यही हो गए अपना ए इंटरसेक्शंस, क्या हो गए बी हो गए, डायग्राम में दिखा दिए हो, हटाओ। अब्दुल रहीम खान खाना, नहीं जानते उस बारे में क्या, अब्दुल रहीम खान खाना हमारे 10th की किताब हिंदी में उसके बारे में दिया हुआ है, नहीं हम तो पढ़े थे ये बात, तू नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ा तो आज पूरा हाथ याद कर लिए, तो हमको नाम कैसे पता है, हम जरूर पढ़े हम इसीलिए था,
जानते हैं तो कहीं जरूर पढ़े होंगे, ऐसे नहीं है कि वैसे हम जान गए। सेकंड दोनों पढ़े थे। हां लाओ वो वाला पेज लाओ, फर्स्ट इससे जस्ट पहले वाला पेज, क्योंकि देखते हैं कि शाम हो रहा है ना, तो टाइम कल से 15 मिनट बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं समझा, ठीक है कोई बात नहीं है, जब तुम्हें इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ 3:15 मतलब जो भी क्या बजे बोले थे, 3:45 स्टार्ट कर देना चाहिए क्लास। 3:45 पहुँचना है। अरे सोना उना है क्या, सब दिन पढ़ते रहेगा, आराम करो घर जा करके। फिल्म इतना बढ़िया साउथ मूवी सब पहले वाला देता है डेली सोनी टीवी पर। आजकल हिंदी मूवी सब साउथ ही पसंद करता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर, हाँ ए इंटरसेक्शन भी इसमें देखो। अच्छा ए का सब इसमें है कि ए इंटरसेक्शन बी का सब इसमें है, यहाँ लिख सकते थे हम लोग। नहीं चलो कोई बात नहीं है, क्या बोले ए का सब इसमें किसका इसमें होगा, इसका सब इसमें ए इंटरसेक्शन बी का सब इसमें ए में होंगे ना। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट्स किसमें होंगे, ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट्स होंगे ना ए। एंड और फिर देखो ए ए बी का इसका सब किसमें होगा, बी में। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट्स क्या होंगे, यहाँ से बी होंगे। इस प्रकार से दो नंबर में बात करेंगे हम लोग, राम डू। अब देखो यहाँ पर ए सबसेट्स ऐसा होंगे तो ए सबसेट्स क्या होंगे, बी होंगे। जैसे अभी एक प्रूफ करके दिखाए थे ना, ए सबसेट्स क्या होंगे, बी होंगे। इम्प्लाइज दैट तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ए होगा। फॉर एग्जाम्पल नहीं तो पेट खराब हो जाएगा ना। ए बराबर मान लो 1,2,3, बी बराबर मान लिया 2,3,4,5, ठीक है ना। ए सब सेट्स क्या होना चाहिए, बी। ऐसा हो तब अच्छा ए का सब किसमें होगा, एक ले लेते हैं, सबसे पहले बनाना पड़ेगा ना, सबसे बनाओगे तभी ना। ए सब सेट्स क्या होंगे, बी। ए का सब किस में हो, बात सही है, ए सबसेट्स बी है। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी निकालो, 1,2,3, 1,2,3 और ये सेम चीज़ क्या है, ए है। क्या ये एक बराबर है, क्या ये बात सही हो गए कि ए सबसेट यदि बी होंगे, आँख मुन के ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या दे देना है, आँख खोल के मत देना, आँख मुन के देगा तो लोग क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा है नहीं कहता है, है? हाँ तो आजकल फैशन ही वही है ना। उसी प्रकार से ये कर सकते हो, यदि बी सबसेट्स क्या हैं, ए हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होंगे, बी होंगे। जो यहाँ है वही यहाँ लिखा जाता है, इस प्रकार कर सकते हो। 3 नंबर में 4 नंबर में ए यूनियंस क्या है, बी। इसका इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होंगे, ए होंगे। फैन ऑफ कर दो, शरीर का टेम्परेचर लो हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, वातावरण ठंडा हो गया, मेरा टेम्परेचर कहाँ चला गया, वातावरण, इसलिए मेरा शरीर क्या हो चुका है, टेम्परेचर लो हो गया, लो चला, ठंडा महसूस हो रहा है। फिजिक्स पढ़ो रहे हो ना, क्या हुआ। तो आशा है समझ में आ गया होगा। इतना मुझे हम लोग छोड़ देते पहले ना, एक समय था गर्मी में जब 6 से 7 क्लास के टाइम था, मतलब पढ़ाते थे, पढ़ाते थे, सुनो भी पढ़ता था ना कभी, यहाँ पे साथ नहीं पढ़े हो, उसको पढ़ाए थे, मैट्रिक वाला को, हम लोग तो यहाँ तक समझ में आया। सब खेत पर परेशान हो रहा है, अब तुम लोग कमे कनेक्टिव पर देखो, तुम लोग क्लास दे दिए हैं, धन्यवाद देना चाहिए, हमें देना चाहिए है। ये काम करने का समय है ना, अभी टाइम में क्लास दे दिए हैं ताकि सबको आराम मिले। कितना तुम लोग ख्याल रखते हैं, सोच सकते हो, सुबह में भी खाना, सुबह में भी खाना है।
कुछ समझ रहे हो ना, एन टाइम पढ़ देते हैं। चलो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी उसका इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होंगे, ए होंगे, ठीक है ना। एग्जांपल ले लो, इसी से एग्जांपल लो, इसी से प्रूफ करो, इसी से इसका ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी निकालेगा, ए वन टू थ्री फोर दो तीन चार और क्या होंगे, पाँच, पाँच होंगे। ये क्या निकल गया जी, ए यूनियन बी निकल गया। अब क्या निकालेगा इसमें, ए यूनियन बी इसका इंटरसेक्शन क्या निकालना है, ए, तो इसमें और यहाँ देखो, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन क्या होंगे, एक दो और क्या होंगे, और एक दो तीन किसके बराबर हैं, एक बराबर है। तो इसका मतलब ए, ये बराबर ए हो गया, तो कोई ना खराब लिखा मैंने नहीं लिखा, इसी प्रकार से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होंगे, बी होंगे। सिंपल सी बात है, कर सकते हो। यस सर। पांच चार माना जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बराबर क्या होंगे, ए करके देख लो थोड़ा सा, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, इसमें इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालो क्या होगा रामदास, एक दो तीन, एक दो तीन, दो तीन, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, एक दो तीन। अच्छी बात है। अब ए इंटरसेक्शन बी इसमें यूनियन ले लो, क्या ले लो, ए, तो इसमें और इसमें दोनों में क्या निकाल दो। अब मोबाइल में इतना बड़ा चीज़ देखने करेगा, एक दो तीन ए में है ना, इसमें दो तीन है, इंटरसेक्शन लेगा तो दोनों का एक दो तीन ही हो, सॉरी यूनियन लेगा तो दो तीन ही होगा, और एक दो तीन किसके बराबर है, तो प्रूफ हो गया, समझ में आ गया ना। अब इसी प्रकार से वहाँ क्या कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या होंगे, बी बराबर बी, इसमें डिफेंड नहीं किया हुआ था, मैंने डिफेंड सबको कर दिया, आशा है समझ में आ गया होगा। अच्छी बात है, कहीं जाना है क्या, आज नहीं जाना है कहीं पर। अब पढ़ेंगे असंयुक्त सेट, ये टाइम पता है कौन, कोई नहीं है, एकदम शांत होकर निश्चिंत होकर पढ़ रहे हैं, तो कोई काएं कोई काएं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अभी धन का, हाँ असंयुक्त समुच्चय, अभी लोहा का ताल है, डिसजॉइंट सेट, कौन सेट, असंयुक्त सेट्स। किसान को एक समय में लोहा का ताल, हम लोग को चौबीसों घंटा बारह मास लोहा का ताल रहता है, बारह मास जब तक तब तक, जब तक छपा नहीं लगेगा तब तक, तब तक, उसके बाद भी कुछ कुछ, उसके बाद तो और टेंशन, जाना होगा। और संयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट्स, यदि ए और बी कोई दो सेट्स हो, ए एंड बी दो सेट्स हो, वैसे टाइम भी पर मिनट बढ़ाएंगे, थोड़ा सा कम पढ़ते हैं हम लोग, समय नहीं नहीं पढ़ते हैं आज, ठीक है पंद्रह मिनट पहले आओगे तो ज़्यादा समय तक देखेंगे, पाँच बजे तक खींच देंगे गाड़ी को। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, अरे बहुत थ्योरी पढ़ना है चैप्टर में, तुझे पता नहीं कितना अभी तक इतना ही पढ़े हो, अभी हिमालय बतल है उधर काफ़ी चैप्टर में, मतलब हम ये कह सकते हैं अकेला इस चैप्टर में सब चैप्टर अधिक थ्योरी है, इतना किसी में नहीं है, इतना समय हमको किसी कितने लगता है, जितने समय लगता है पढ़ाने में त्रिकोणमिति के, तो जितना देर में क्या उतना देर में घिस घा के रंग कर देंगे, त्रिकोणमिति स्ट्रेट लाइन सब कुछ गुंजा है, सब क्या है गुंजा है, चबा देंगे सबको, सेट थ्योरी में धीरे धीरे पढ़ना, इतना टॉपिक नहीं है ना, ए एन बी इंटरसेक्शन करेंगे तो पता नहीं लगेगा क्या कर रहा है, इसलिए सब लास्ट में पढ़ाया जाता है टॉपिक को, समझो। और संयुक्त समुच्चय डिस जॉइंट से इसका यूज आगे होगा, ए और बी कोई दो क्या हो, सेट्स हो, तब यदि उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ ना हो, एको गो अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा, तब उसको बोलेंगे दोनों कौन सेट है, जो लिखल है वही सेट, यानी कि डिसजॉइंट सेट है। ए और बी में एक भी एलिमेंट्स उभयनिष्ठ नहीं हो,
अभी तक आ रहा था, मान लो ऐसा आ रहे ना था, हम लोग आए इस उस टाइप का एग्जाम्पल ही ले रहे थे। और यदि नहीं आवे तब उसको तब कौन सेट से बोलेगा, डिसजॉइंट सेट से बोलेंगे। इसका मतलब डिसजॉइंट सेट्स होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को क्या होना पड़ेगा, फाई होना पड़ेगा। यानी कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, तब उसे क्या बोलेगा, डिसजॉइंट सेट। बहुत खूब, बहुत पढ़ल लिखल, कल्पना से परे, अंतर अंतर है ऐसे कर दी, आ गया ना उसमें। अब चलो एग्जाम्पल, ए बराबर जैसे ले लिया एक तीन और पाँच, क्या ले लिया पाँच, और बी बराबर देखो दो चार और छः, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, यहाँ से फाइव होगा, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। ऐसा होंगे तब बोलेंगे ए और बी कौन सेट्स से है, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स से है। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन में सवाल दे देगा, कहेगा बताइए दोनों सेट डिसजॉइंट है कि नहीं है, बोलेंगे इंटरसेक्शन यदि कॉमन कुछ आ रहा है तो नहीं है, और नहीं आया तो ही होगा, उल्टे बात है, जो सच उन्हें होगा। मतलब कहने का दो समुच्चयों का अंतर, ये भी पढ़ चुके हो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, नहीं दो समुच्चयों, बदल दें किसी में लिख दें, फिर गरीबी है तो बदल देंगे, अमीरी है तो रहने दो है। अभी कोरोना काल चल रहा है, नहीं चल रहा है, मोदी जी आएंगे, भाई एवं बहनों आप लोग चिंता नहीं करिए, बिहार वासियों को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, तब वोट दीजिए हमको, तब वैक्सीन देंगे फ्री में, नहीं नहीं दीजिएगा वोट तो वैक्सीन नहीं देंगे, तो हम बोलेंगे टैक्स का देंगे, वादा कर रहे हैं जीते वही जीतेगा देखना। स्टूडेंट लगा हुआ उस पर तो हम लोग उसके साथ हैं, ट्यूशन कर लेते हैं, सरकारी छप्पा मारना ना सीट पर उसको, दोनों तुन मुहर मारेगा, जल्दी पेज लाओ, अच्छा पेज दे दिया। दो समुच्चयों का अंतर, डर लगता है बहुत जल्दी शाम पड़ जाए, तो लगता है पगड़ी धरना पड़ेगा। दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना। देखो ए और बी दो सेट्स के, ए और बी क्या हो, दो सेट हैं, साउंड पोल्यूशन, ए और बी क्या हो, दो सेट्स हो, तब ए और बी के अंतर को, अंतर सेट को ए माइनस क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ए माइनस बी वह सेट इसमें सिर्फ किसका अवयव होगा, ए का, बी का अवयव ना हो। गुण प्रकटीकरण विधि में, गुण प्रकटीकरण विधि में, गुण प्रकटीकरण विधि में ए माइनस बी बराबर, गुण प्रकटीकरण विधि में ए माइनस बी बराबर, ए माइनस में सिर्फ किसका अवयव होगा, ए का, बी का अवयव नहीं होगा, होगा तो पता नहीं, पेट खराब हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स कैसा है, एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स ए है और या तथा एक्स बिलोंग्स बी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तू भी मत घसना मिस्टेक से इंग्लिश में, ठीक है ना, सॉरी फिर से गलती करेंगे, इसीलिए सॉरी कहा, सॉरी मतलब क्या होता है, फिर से गलती होना, इसीलिए लोग क्या मांगते हैं, मार दो सॉरी, या फैशन बना दिया है। एक्स बिलोंग्स ए माइनस बी, यदि और केवल यदि ऐसा तभी होगा जब एक्स बिलोंग्स क्या होंगे, ब्रैकेट तोड़ने के बाद, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स बी, ठीक है ना।
ये नहीं होना चाहिए ना, एक्स बी का सदस्य नहीं होना, एक्स सिर्फ सदस्य होगा ए का, नहीं ये बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये तो निकालने के लिए आज से कितना साल पहले पढ़ा था, कौन युग में, एक हजार साल में डायनासोर थोड़े होगा, कौन राजा धरती पर उसमें होगा, उसी के काल में पता नहीं 1000 साल पहले कौन राजा थे, गूगल सर्च मारना कि भारत में 1000 साल पहले कौन राजा थे उसके काल में पढ़े, तो उसको पता नहीं होगा हम लोग इस चीज़ पढ़ रहे हैं। ये बराबर ले लो राम 2 3 4 मेरा ऐसे ले लो, मान लो 2 पढ़े हो एक बार पहले से, इसीलिए ए माइनस बी बराबर बोलो ए का एलिमेंट होगा बी का एलिमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, एक तीन होगा इसमें, तो इसमें 1 2 3 4 है, तो इसमें इसमें सेम कौन मिल रहा है, 2 4 नहीं लेंगे, बाकी कौन ले लेंगे, एक और क्या ले लेंगे, 3। अच्छा बी माइनस ए बोलो तो 5 7 बी माइनस ए बोलेगा तो बी माइनस ए में 2 4 5 7 2 4 नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे 5 7 समझ में आ गया, नहीं आया तैयो आया, इसका मतलब यानी ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ऐसे 10 माइनस 5 किया, 5 माइनस 10 किया, मतलब साइन नेगेटिव छोड़ दो तो बराबर है ना, यहाँ पर सब अलग अब नहीं, ठीक है ना, जोर में ही पॉसिबल है। वेन डायग्राम वेन डायग्राम क्या दोनों में कॉमन एलिमेंट है, 1 3 3 उसके बाद नहीं, इसमें नहीं है, और 2 4 किसमें लिखेगा, यहाँ लिखेगा, उसके बाद बोलो 5 7 दो चार आ गया तो 5 7 ये किसका डायग्राम है, ए माइनस बी का, ए माइनस बी में सिर्फ किसका जब होगा, ए का, यही वाला टीका होगा, मोबाइल लो, सिर्फ इतना वाला पार्ट्स, इधर वाला पूरा पार्ट्स कहेगा ई दिखाइए ए तीहे में भी है, नहीं होगा ना क्योंकि ये बी में आता है, इसीलिए इसको नहीं लिए, समझना क्या ना, क्योंकि ये बी में इसीलिए इसको नहीं लिए। देखो जैसे नहीं ए माइनस बी नहीं है, यहाँ है ना ए माइनस बी, देखो ये क्या है, ए माइनस बी है, फिर से ए बोलेंगे तो पूरा ए का, बी बोलेंगे तो पूरा बी का, इंटरसेक्शन बोलेंगे तो ये कॉमन एलिमेंट, एलिमेंट बोलेंगे तो टोटल किले बनौता, ए बोलेंगे तो सिर्फ इतना ठोई होंगे, ए बोलेंगे सिर्फ पूरा ए होंगे, लेकिन ए माइनस बी बोलेंगे तो कितना ही होंगे, और बी में बी बोलेंगे तो पूरा होगे, लेकिन बी माइनस ए बोलेंगे जितना रंगल है उतना ही होगा। अब इधर लिखो आप क्या लिखोगे बी माइनस ए, तो 1 3 2 4 5 कॉमा क्या होंगे 7 बी माइनस, यहाँ टिका नहीं होगा मिस्टेक से पड़ चुका है, तू कॉपी मत देना, नहीं बी माइनस ए में सिर्फ किसका एलिमेंट्स होंगे, बी का, ए का नहीं, और वैसे बी माइनस ए बराबर क्या निकला है, सिर्फ 5 7 को पेंट करना, ए माइनस बी में क्या निकला है, सिर्फ 1 3 को पेंट करना, अब ये टेक्निक समझ जाएगा ना, तो इसको ऐसे टिका टिका मार दो, सिर्फ यही ठो होंगे और ये क्या हो गए बी माइनस ए हो गए, यहाँ भी लिख दो या इसको अंदर घुसा सकते हो तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आगे पढ़ाएं कि छोड़ दें, सम हो गया है तो कल से 15 मिनट हम लोग पहले पढ़ेंगे तो इस टाइम तक पढ़ सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा उसे 5 मिनट तो इधर उधर करने में टाइम चला जाता है, नहीं फोटो ठीक है।